बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल प्योर हार्ट विद मदीहा। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मज़े का क्रिस्पी सा तवा पूरी पराठा। इसमें बहुत लेस ऑयल, कम ऑयल यूज़ करोगे लेकिन इतना कोई कमाल का रिजल्ट देगा। इसकी लेयर्स इतनी खुल के बनती है। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। मैंने ले लिया था तकरीबन 3 कप भर कर मैंने ले लिया था मैदा। इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून नमक, लेवल करके डाला, बहुत भर के नहीं डाला। 1/2 टेबलस्पून चीनी, रेगुलर जो आप चीनी यूज़ करते हो वो डालती थी। और 4 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ इसमें दही। दही नॉर्मल जो आपके घरों में यूज़ होती है, खट्टा वाला हो या जैसे भी हो, वो दही चल जाएगी इसमें। इसके अलावा मैंने इसमें 4 टेबलस्पून ही यानी कि 1 बिग सर्विंग स्पून मैंने इसमें डाल दिया था घी। आप यहाँ पे ऑयल अवॉइड करना, घी आप यूज़ करना। घी इसका बेस्ट रिजल्ट देगा, जिस तरीके से आप एंड पे इसका रिजल्ट देखोगे। हाथों से इस तरीके से मिक्स करें, जैसे ये क्रम्स वाली शक्ल में आ जाएगा। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डाल देना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। जिस तरीके से आप लोग आटा गूंथते हो, आटे से आपने हल्की सी आपने सॉफ्ट डो रखनी है, यानी कि आटे से हल्की सी नरम डो आपने रखनी है। जिस तरीके से हम पूरियों वाला मैदा गूंथते हैं ना, सेम वैसे ही इसका आएगा, स्ट्रेचेबल ये बनेगा। ये देखें, इस तरीके से स्ट्रेच करें और ये इस तरीके से स्ट्रेच होगा। जैसे ये हो जाएगा, इसके बाद आपने 1 टेबलस्पून भर कर घी का दोबारा लेना है। और जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे आपने जिस तरीके से आटे को मुक्की देते हो ना, सेम ऐसे ही आपने इसको करते जाना है। और ये देखिए, इस तरीके से करते जाओगे तो आपके हाथों से भी ये सारा मैदा उतर जाएगा और जिस बाउल में जितना भी लगा होगा वो भी सारा सिमट कर इस डो के साथ लग जाएगा और इसके साथ इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा से इसे 5 से 10 मिनट तक आपने इसे गूंदना है यहाँ पर। और 5 से 10 मिनट बाद जब इसे अच्छा सा आप गूंद लोगे, मैं इसे रात में ही कर रही थी, ये देखिए इस तरीके से स्ट्रेचेबल बन जाएगा। और इसके बाद मैं इसे गूंद कर अच्छा सा 5 से 10 मिनट लगे थे मुझे अच्छा सा इसे गूंदते रहे ताकि इसमें लम्स ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ये स्मूथ डो बन जाएगी। जब फिर इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगी एक बॉक्स में। बॉक्स में इस तरीके से रखने से पहले आपने घी हल्का सा इसके ऊपर लगा लेना है कि इसके ऊपर एक वो जो ड्राई ड्राई सा मैदा हो जाता है, वैसे नहीं होगा ये अगर आप इस तरीके से करोगे। और इसको मैंने बाउल में कन्वर्ट कर दिया। बाउल में कन्वर्ट करने के बाद हल्का सा बिल्कुल मैं दोबारा से घी का हाथ लगा लूँगी। और इसके बाद मैं इसके ऊपर पानी का भी हल्का हल्का सा हाथ लगा रही हूँ। यहाँ पे आप जो है ना वो कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो, कपड़े को गीला करके निचोड़ कर और आप यहाँ पे इसके ऊपर रख कर और इसको बॉक्स को बंद करके कवर करके रख दो। मैं रात में कर रही थी, अब नेक्स्ट डे ये मैं पेड़ा बना रही थी सुबह के टाइम। ये देखिए कितना अच्छा स्ट्रेच कर रहा है और ये बिल्कुल लम्स फ्री है। हाथों पर आपने हल्का सा दोबारा घी लगाना है और इसके बाद जिस तरीके से नॉर्मल आप पेड़ा करते हो वैसे आपने पेड़ा कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको बल्ब वाले पेड़े के 2 तरीके बताऊंगी, आपने लाजमी वो देखना है कि किस तरह से मैं ये पेड़े करती हूँ। बेसिकली एक मैंने पठानों वाला तरीका इसमें आपको बताऊंगी और एक जो रेगुलर नॉर्मल जो बनता है, अक्सर घरों में बनता है, अक्सर घरों में वैसे नहीं बनता। तो दोनों आप लोग देख लो और आप मुझे बताना कि आप लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हो घर में। इसके बाद पेड़ों को रखने के बाद 10 मिनट मैंने इसे रखा। 10 मिनट रखने के बाद ड्राई मैदा डस्ट किया। ड्राई मैदा डस्ट करने के बाद इसको बेल लेना है इस तरीके से। इसको आपने गोल नहीं बेलना, इसको आपने लंबाई में बेलना है। ये देखें, इस तरीके से आप इस रोलिंग पिन को घुमाते रहें और इस तरह से ये जब इस तरीके से लंबा सा आपका ये रोटी बन जाएगी, आपने हाथों पर घी लेना है। घी जमा हुआ हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके बाद हाथों पर घी लेके आपने इस पूरी रोटी पर अच्छा सा फैला लेना है। ये देखें, इस तरीके से फैलाते जाएँ। और इसके बाद जो बल्ब खुलते हैं ना, मेन जो लेयर्स खुलने का काम होता है, वो एक तो ये घी करता है और इसके बाद ये जो हम मैदा डस्ट कर रहे हैं वो इन लेयर्स को ओपन करता है। ये देखें, इस तरीके से सारा मैंने मैदा डस्ट कर लिया। 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून आप इसमें मैदा डस्ट कर सकते हो, जितना आपको यूज़ करना है आप उस हिसाब से यूज़ कर लो। यहाँ से उठाया साइडों से और ये देखें इस तरीके से करके, अब इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करती जाऊँगी। ये देखें, इस तरह से ऐसे आप करते जाएँ, ये साथ साथ इस तरीके से फोल्ड करते जाएँ। ये देखें, इसके बल खुद ही बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से करने के बाद एंड से आपने यूँ घुमाते रहना और ये बिल्कुल एक पेड़े की शक्ल में बन जाएगा। ये देखें, इस तरीके से जिस तरीके से बल वाला पेड़ा होता है, सेम ऐसे ही। और ये जो लास्ट वाला है इसको उठाकर आपने नीचे कर देना है और इस तरीके से आपने ये पेड़ा बनाकर और आपने इसको रख लेना है उस ड्राई मैदे वाला जो है उसमें रख लेना है। और ये मैं आपको सेकेंड दिखा रही हूँ, इसको भी सेम आपने वैसे ही लंबा सा आपने बेल लेना है। ये देखें, इस तरीके से अच्छा सा आप बेलते जाएं, ये जल्दी जल्दी से हो जाता है, अच्छा सा बेला जाता है। जब तक मैं ये बेल रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसको कर ले सब्सक्राइब। और यहाँ पे मैंने अच्छा से इसे बेल लिया। बेलने के बाद मैं इसके ऊपर 1 से 1.5 टेबल स्पून घी का दोबारा से लगाऊंगी। ये देखें, इस पर इस तरीके से आपने 1 से 1.5 टेबल स्पून घी का लगा लिया। और इसके बाद जैसे ही अच्छा सा हर तरफ मेक श्योर आप घी लगाना और इसके बाद ड्राई जो मैदा है वो डस्ट कर देना है। लेयर्स जो खोलने का मेन काम होता है ना, एक तो वो
घी करता है, और सेकंड वो जो मैदा आता है ना, वो मैदा उस लेयर्स को और ज़्यादा उठाता है, उसको और ज़्यादा खोलता है। तो ये दोनों काम आपने लाजमी करने हैं पराठों के अंदर, दोनों साइडों से इसे पकड़ा और इसके बाद इसको यूँ उठाते जाए, और ये देखिए सेंटर से और साइड से खुद ही लेयर्स बनने शुरू हो गए। इसके बाद इसको टैप 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 इस तरीके से करते जाओ, और ये इसकी लेयर्स, और ये खुद स्ट्रेचेबल होके ना ये और बड़ा होता जाता है, और इसकी लेयर्स जो है वो और ज़्यादा होती जाती है। देखिए इस तरीके से अच्छा खासा ये बड़ा हो गया था, और इसके बाद लास्ट से उठाकर मैं इसे यूँ घुमाती रहूँगी इस तरीके से रोल करते करते ये एंड पे इस तरीके से लाकर, और यहाँ से मैं इसे उठाकर और इसको मैं बिल्कुल नीचे कर दूँगी और इसको ऊपर से प्रेस कर दूँगी। और ये देखिए अच्छा सा लेयर वाला ये पराठे का जो पेड़ा है वो रेडी हो गया है। इसके बाद आपने इसे कवर करके 10 मिनट तक रख लेना है कि इसकी जो लेयर्स हैं थोड़ा इजी होकर थोड़ा अपने लेवल पे आएंगी, उस चीज़ पर आएंगी कि ताकि अच्छे से ये दोबारा बेलने के काबिल हो जाए। और 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद ड्राई मैदा हल्का सा डस्ट किया, और यहाँ पे एक और टिप आपको देती जाऊँगी कि आपने बहुत ही प्रेशर में इस पराठे को नहीं बेलना, जितना आप हल्का हाथ रखोगे ना इस रोलिंग पिन को घुमाते हुए, उतना ही आपका जो पराठा है वो लेयर वाला बनेगा और उसके लेयर्स उतने ही खुल के आएंगे, और ऊपर से वो इतना ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। गरम तवे के ऊपर मैंने इस पराठे को रख दिया, और इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून भर कर घी का डाल दिया, और जैसे ही ये साइडों से कलर चेंज हुआ मैं अब इसे कर लूँगी टर्न। ये देखें इस तरीके से इसे टर्न कर दिया, और अब मैंने हीट को कर दिया था मीडियम, और मीडियम हीट पे करके इस तरीके से ऊपर आपने प्रेस करते जाना है, हर तरफ से प्रेस करते जाओ कि ये देखो साइड पे आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं। 1 टेबलस्पून बैक साइड पे भी मैंने घी डाल दिया था, और इसको ऊपर से यूं प्रेस करते 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 ये हर तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, ये देखें। और यहाँ पे मैं अब चेक कर रही थी कि यहाँ पे अब इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, तो मैं इसे टर्न कर लूँ। ये देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया जिस तरीके से मुझे चाहिए था, अब मैं इसे कर लूँगी टर्न, और ये देखें कितना अच्छा और कितना गोल्डन कलर, इतना कोई खूबसूरत आया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा पराठा बना था। ये देखें इस तरीके से सेकंड पर भी जब आप इसे टर्न करोगे ना, तो आपने इसे प्रेस ही करते रहना है कि दूसरी साइड पर भी अच्छा सा हर तरफ गोल्डन कलर आ जाएगा। ये देखें तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं, ये पराठा अच्छा सा बन जाता है इस तरीके से। आप मीडियम हीट पे करना, हाई हीट पे मत करना। इसके लेयर्स मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये देखें। और यहाँ भी मुझे अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि इतना बेस्ट पराठा इस तरीके से पठानों वाले होटल में भी मिलता है। इसका एक एक लेयर इतना कोई क्रिस्पी होता है, और इसके अंदर इतना ही सॉफ्ट इसकी लेयर्स खुल रही होती है ना, आप लाजमी ट्राई करना। आप मुझे लाजमी बताना, मेरे चैनल पर नहीं आते हो तो आप लाजमी इसे सब्सक्राइब कर दिया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है, उसके साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको पता चल सके और आप जल्दी से पहले देख सके। इसके साथ मैंने ये चने बना लिए थे, ये इतने कुछ झटपट चने बनते हैं, और इनका टेस्ट जो है वो बाजार वाले चनों से बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन बिलो, मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए दोबारा से चने बनाकर और इसकी रेसिपी आपके लिए अपलोड कर दूँगी। और इस चनों का जो फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए ये पराठा इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है, और आपने मुझे कमेंट सेशन में लाजमी आकर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसकी पिक्चर्स अगर आप मुझे सेंड करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हो। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला बुरे लोगों बुरे वक्त और बुरी घड़ी से हम सबको हमेशा बचा के रखे, आमीन सुमामीन। और इसके अलावा मेरी वीडियो मेरी एफर्ट्स अच्छी लगी हो इसको कर देना लाइक शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल पर लाजमी आप सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है, प्यार होता है, अपनाइयत होती है, एक गिफ्ट होता है जो आप लोग हमें दे देते हो सब्सक्राइब की शक्ल में। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड फ्रॉम माय साइड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।